أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ वो इस जब इस जब भी आता है इससे मुराद होते कि याद करो उस वक्त को जब ऐसा हुआ था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है वह और इस जब कुलना हमने कहा लेका लाम के लिए काफ मुखातब की अलामत लेका आपके लिए जब हमने आपसे इरशाद किया आपको कहा इन्ना रब्बा का इन्ना रब्बा का रब इसम है उसके साथ दूसरा जो कलमा लगा हुआ है वो ज़मीर है और ज़मीर तमाम मार्फा होती हैं रब का कलमा नकरा है ज़मीर मार्फा है तर्जमा करते हुए का के की का इजाफा करेंगे रब्बा का आपका रब वस्कुल नलका इन्ना रब्बा का अहाता अहाता करना तो उर्दू में भी इसी तरह लिखा जाता है रब का कलमा भी इसी तरह लिखा जाता है कौल भी इसी तरह लिखा जाता है अहाता अहाता किए हुए है घेरे हुए है बिन्नास लोगों पर उन्होंने अहाता किया हुआ है उनको घेरे में लिया हुआ है वह माँ जालना वो माँ नहीं जाल जाला उसने बनाया जाल तू मैंने बनाया जालता तूने बनाया तू एक मुजक्कर ने जालती तू एक मोनस ने बनाया और जालना हमने बनाया अल्लाह जल्ला शानू अपने लिए प्रोटोकॉल की ज़बान इख्तियार करें वमा जालना माँ नहीं वमा जालना नहीं बनाया हमने और रोया रोया जिस तरह उर्दू में भी रोए थे हलाल हलाल का देखना ये कलमा रा यरा रायन भी आता है और रोयातन भी आता है जब रायन आएगा जिस तरह यहाँ पे आया है इससे मुराद है आँख से देखना रोयते हलाल भी यही है ना आँख से चाँद को ना देखा जाए कैलकुलेशन से बेशा चाँद आ गया हो तो उस वक्त तक वो चाँद का ऐलान नहीं किया जाता जब तक आँख की शहादत मिल ना जाए तो इसमें आँख से देखना लाजम होता है और रोयतन कहते हैं ख्वाब के अंदर देखना या जहन के साथ देखना खाली यानी उसमें आँख माइनस हो जाती ये उसी मानों में जिसे नजारा नजारा भी सिर देखा है वमा जअलना रोया हमने नहीं बनाया आपका वो देखना अल्लती जो के अराइना का अरायरा कहते हैं दिखाने को ये जिस तरह खाराजा वो बाहर निकला अखराजा उसने उसे बाहर निकाला रा उसने देखा अरा उसने दिखाया आरायना हमने दिखाया का आपको हमने दिखाया आपको इल्ला स्वाय इसके फितनातन आजमाइश फितना आजमाइश उर्दू में भी इस्तेमाल होने वाला लिन्नासी दो लाम लग गए उसके मानी के लिए होंगे और नास तो अवामुन्नास अमतुन्नास उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये सारे कलिमा तो हमारी ही ज़बान में इस्तेमाल होने वाले हैं नहीं बनाया सिवाय इसके यानी वो जो हमने आपको मेराज करवाई वो जो आपको अजीम चीज़ दिखाई है वो इसलिए नहीं बनाई सिवाय इसके कि वो आजमाइश हो लिन्नासी लोगों के लिए वशजारात
और वो जो दरख्त बनाया है वह शाह जा रहा था, और नहीं बनाया हमने वो उस दरख्त को अलमाऊना जो लानत ज़दा है, जिस पर लानत की गई हुई है। फिल कुरानी फी में अल कुरान, कुरान इस कुरान में जो वो दरख्त जिसका नाम जकूम है वो हमने बनाया है, वो जिसकी जड़ें जहन्नम की अथाह गहराइयों में हैं और पूरे जहन्नम के अंदर वो फैला हुआ दरख्त है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि उसके फल का कोई हिस्सा कोई खा ले, खाना तो बड़ी दूर की बात, उसके किसी हिस्से को समंदरों में डाल दिया जाए समंदर कड़वे हो जाए, वो इतना कड़वा है, जो जहन्नमियों के लिए बनाया गया खाने के लिए उन्हें वही मिलेगा। उसका कहेगा इसलिए कि वह नुखव्विफुहुम, हम चाहते हैं कि उन्हें डराएं, फमा फा पस मा नहीं यजीदुहुम, ज़्यादा यजीदु ज़्यादा करना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं ज़्यादा करता हूँ उनको इल्ला सिवाय इसके तुग्यानन सरकशी के अंदर, कबीरा तुग्यान भी और कबीर भी ज़्यादा भी, सारे कलिमात हमारी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग पहले तो अपने कलिमात के साथ तानो तशनी के साथ उनके दिल छल नहीं करते थे कि वो जो कहते हो कि अजाब आएगा ले आओ, वो अजाब किस बात का डर है, हम कहते हैं ले आओ, तो ज़रूर भी यही कहते हैं कि मैं अपने पास से तो कुछ नहीं कहता, ये तो मेरा रब का फरमान है, जब वो चाहेगा तो तब आएगा, मैं नहीं। फिर आपको और आपके साथियों को मारपीट शुरू हो गई। जब अज़ियत का ये ज़माना शुरू हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देने के लिए और ये मौजज़ा दिखाया जाता है ताकि बता दिया जाए नबी के दुश्मनों को कि ये नबी अकेला नहीं है, इसके पीछे वो बड़ी कुव्वत है जो ये काम करती। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के उस असा के अंदर ये कुव्वत रखी, कभी वो अजदाह बन जाए, कभी वो किसी पत्थर में मारा जाए तो उसमें से चश्मे 12 निकल आए, और उसमें भी हैरत की बात कि 12 ही क्यों, कि 12 कबीले हैं, हर एक का अलग अलग चश्मा हो जाए। अगर ईसा अलैहिस्सलाम किसी को छू लें तो मुर्दा ज़िंदा हो जाए, वो कहें कुम बिज़्निल्लाह, तो इससे मुराद ये नहीं कि हज़रत मूसा की और हज़रत ईसा की कोई बड़ाई बयान की जा रही, नहीं, ये बताया जा रहा है कि मूसा का और ईसा का पीछे जो खुदा है जिससे वो डरा रहे, वो इतनी बड़ी कुव्वतों का मालिक। हम मौजज़े को शख्सियत से जोड़ते हैं, ये शख्सियत नहीं है, जो कर सकता है उस एक ही हस्ती है, उसका नाम क्या है, अल्लाह। अगर अल्लाह ना चाहते तो हज़रत ईसा 100 दफ़ा कहते कुम बिज़्निल्लाह, अल्लाह ना चाहते तो उठ जाना था, बेशक बिज़्निल्लाह कभी कलमा कहते, कोड़ी पर हाथ लगाते उसने ठीक हो जाना था। कौन है वो पीछे, तो अल्लाह अपने बार बार चैलेंज करते हैं अल्लाह को, बुलाओ अपने अल्लाह को। अब ये उस ज़माने से आज तक ज़ालिमों का यही तरीका रहा। एक और बात भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे बाद उलमा ने इस पर यह भी कहा कि ये नबी सल्लम को मेराज जो कराया गया है और पहले यहाँ से लेकर गए बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया की इमामत करवाई, फिर ऊपर चले गए और ऊपर जाके जन्नत और दोज़ख़ सारा मुशाहिदा किया, अल्लाह से बातें की, अहदो पैमान हुए, मजाक उड़ाते क्या अबा बकर, अगर कोई बंदा कहे कि एक ही रात में मैं गया और वापस भी आ गया तो तुम मान लोगे, ऊपर की बातें तो छोड़ो, सिर्फ इतनी ही बात को देखो कि यहाँ से बैतुल मक़दस
तो उन्होंने कहा मेरा दिमाग ख़राब है, कैसे माना जा सकता है। कह फिर सुन लो, तुम्हारे नबी ने ये कहा है। कहता खुदा की कसम भी ठीक ही कहा। वो इस तरह लोगों को तोड़ने की कोशिश करते। ये चालें उस वक्त भी कुफार की थी, ये चालें आज भी कुफार की है। और भटके हुए लोगों की चालें ये होती हैं कि वो ये इन मौजज़ात को, इन करामतों को फ़र्ज से जोड़ देते हैं। उस ज़माने में भी जोड़ते थे, आज भी जोड़ते। हालांकि ये तो इसलिए दिखाई जाती है, जिस अल्लाह का तुम मजाक उड़ा रहे हो, जिस अल्लाह के बारे में ये बातें कर रहे हो, इस नबी के पीछे वो अल्लाह है जो ये भी कर सकता। और अगर ये ख्वाब होता तो ख्वाब में तो आदमी सैकड़ों में सारे सफ़र कर लेता है, तो फिर फितने वाली क्या बात थी उसमें। ये अमलन करवाया गया है, इसलिए तो आजमाइश है कि अल्लाह तो करवा सकता है, कोई और वाकई नहीं करवा सकता। इसके पीछे वो अल्लाह है। और नबी हमने तुम्हें कहा था ना, तुम ही कामयाब होगे, इनको काम करने दो, तुम अपना काम करते रहो। यही बात आज के दाई के लिए भी है। दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की ताकतें, मोहल्ले के चौधरी वडेरे खाकान, वो तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और मुमकिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों की तरह तुम्हें तहजीब से भी गुजरना पड़े। घबराना ना मत, किसी वक्त लम्हे समय लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अकेला छोड़ा हुआ है। उन पर अजाब क्यों नहीं आ रहा, ये अल्लाह की अपनी मसलतें हैं। और देखिए जिस तरह वक्त ले हो, अजाब क्यों नहीं आता। अगर उस वक्त अजाब आ जाता तो कितने किबार सहाबा तो उसके बाद ही मान लाए थे, वो तो उसमें मारे गए होते, वो तो जहन्नम का ईंधन बन जाते। इस बात का किसको पता है, जिसका नाम अल्लाह है उसको पता है। रसूलुल्लाह को तो इतना ही बताया ना कि जब नाफरमानी में हाथ से निकलोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तुम हाथ से निकल रहे हो, डरो उस वक्त से। डरा रहे थे, नहीं डरते थे, मजाक उड़ाते थे। वो हमने अभी पढ़ा नाका के बारे में, पूरा पहाड़ खड़ा है, कहा इस पहाड़ के अंदर से निकलती हुई दिखाई हमें, कोई ऊँटनी नहीं दिखाओ। तो अल्लाह के हुक्म से वो दिखा दी गई, और वो भी 10 माह की गाभन, बच्चा जन्ने वाली, कैसे उसके अंदर हो गई। ये इतना बड़ा दिखाया, ये कारनामा किसका है, अल्लाह का है। कोई अल्लाह है तो दिखा सकता, हैरत वाली बात होती है ये, आजिज कर देने वाली बात होती, इसलिए इसको मौजज़ा कहते हैं। और ये आजमाइश हो जाती कौम में, जब मौजज़ा देखकर इनकार कर देती है तब अजाब आता है। ये एक फैसला है, सख्त बात तो नहीं मैंने कह दी। पाकिस्तान मौजज़ाती तौर पे बना है, वरना दुनिया में जिस तरह तहरीकें चलकर अपने मुल्कों को आज़ाद कराती हैं, अलजज़ायर वालों से पूछो, पाकिस्तान एक दिन भी के लिए एक किसी ने एक घंटे की भी कैद काटी हुई है। पाकिस्तान की तहरीक में किसी की नकसीर तक नहीं फूटी। ये जो हम सुनाते हैं ना कि इतने शहीद हो गए, इतनी बेवा हो गई, इतने बच्चों को उन्होंने नेज़े कनियों पर चढ़ाया, ये पाकिस्तान बनने के बाद फिरका वारियत जो फैलाई गई थी मुसलमानों के बदकमाश लोगों ने और हिंदुओं के बदकमाश लोगों ने, जो उन्होंने किया था, ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। लेकिन पाकिस्तान बनने के लिए जो तहरीक चली थी उसमें किसी की नकसीर भी नहीं फूटी। और ठीक 27 रमज़ान को ही बने, ये हादसा नहीं था, प्लानिंग थी, ये मौजज़े से बना हुआ है। और जो लोग मौजज़े का इनकार कर दे, मैंने पहले कहा है अजाब तो आता है, और अजाब की कैफियतों में से एक कैफियत ये होती है जब अजाब बड़ा हो जाए कि कौम अजाब से गुजर रही होती है और उसे एहसास नहीं होता कि हम अजाब में। इस वक्त महंगाई का कोई अजाब है वैसे,
मुसलमानों की सोच में ज़रा सा भी फ़र्क आया? और या तो ये ना बताया गया होता तो आदमी कहता अच्छा कुछ सीख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि बस्ती के लोग फिस्क और फजूर की रवश को अपनाएंगे तो ज़मीन और आसमान अपनी बरकतों के दरवाज़े बंद कर लेंगे। सोने की चिड़िया ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं और अब अपने अहल को ही रोटी नहीं दे रही। लेकिन कोई एहसास है क्या? हम अल्लाह की बात को मानकर वापस उसकी तरफ आ जाए जो बुराई कर रहा है? तस से मस हुआ है कहीं पर? हमें भी इतने साल हो गए हैं ना, कितने लोग आ रहे हैं, बस्ती कितनी बड़ी है, जरा उसमें से कितने लोग हैं? क्यों टस से मस नहीं होते? अजाब की कैफियतों में उसका एहसास भी उनका मर जाता है और वो अल्लाह उनकी रस्सी को दराज करते हैं। वयमुद्दुहुम फी तुग्यानहिम यामउन, वो उनकी सरकशियों के अंदर उन्हें भगदड़ भागने के लिए खुला छोड़ देता है। आज हम खुले छोड़ दिए। और उसका दूसरा जुमला, पहला तो ये कि ज़मीन और आसमान अपनी बरकतों के दरवाज़े बंद कर लेते हैं और अल्लाह उन पर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं, तो हम सारे के सारे लोग उन ज़ालिम हुक्मरानों से नहीं मोहब्बत करते? उसका नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो सकता है, उनका नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो सकता है, उनका नाम मोहतरम क्या नाम है जी नवाज शरीफ साहब हो सकता है, और नवाज शरीफ की बाकियात हो सकता है, उसका नाम इमरान खान हो सकता है। क्या इन अदवार के अंदर कहीं पर भी आपके सुकून की कोई बात आई है? तो क्यों नहीं ठीक लोगों के तरफ वापस पलटते? अल्लाह कहो कि मैं कून उमा सादिकीन, सच्चों का साथ दे दो, दिया है, आजमाइश थी ना, फेल हो गए। और अल्लाह अगर दिखा दे मौजा, उसको ना माना जाए तो फिर अजाब का आखिरी कोड़ा ज़रूर बरसता है, ये मुझे बताना। डरें उस वक्त से। मशरकी पाकिस्तान अब है हमारे साथ? सारी तहरीक तो वहाँ चली थी, सारी तहरीक तो वहाँ चली थी ना पाकिस्तान बनाने की। अगर वो साथ नहीं है बाकी कैसे रह जाएगा? उस वक्त से डरो कि जब तुम्हारा नामो निशान ना रहे। अपनी औलाद को कौन सा मुल्क देकर जा रहे? इज्तमाई सोच मर गई है तो कम से कम इनफरादी सोच के तहत ही अपनी औलाद का सोचो कि अपनी औलाद को कैसा मुल्क देके जा रहे हो, कैसे हुक्मरान देके जा रहे हो, बरकत को दरवाजे खुद अपने अमाल से बंद करवा के जा रहे हो। सारी काम इसलिए इंसान करता है ना कि मेरी औलाद खुशहाल हो जाए। तुम तो अपनी औलाद का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये बातें आपने जाकर लोगों को बतानी होती। याद करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे कह दिया था कि तेरे रब ने उन लोगों को घेर रखा है, मत घबरा, तो अपना काम करता रहे, वो कोई भी चाल चले, मत दिल के अंदर ज़रा भी गुमान करना कि ये गुंडा, ये डाकू लुटेरा, ये इकतदार वाला, ये वर्दी वाला, ये फलान और फलान, ये बड़ा ताकतवर है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तेरे सारे नफ़े के मालिक, तेरे सारे नुकसान के मालिक हम हैं। खौफ तेरे अंदर नहीं आना चाहिए, तेरे अंदर सिर्फ एक खौफ होना चाहिए, वो जिसका नाम अल्लाह का हो। तो हमारे अंदर ज़रा टटोल के अभी भी देखें, यहीं इस मजलिस में बैठे मल्ले के गुंडे से डरते हैं या नहीं डरते, पटवारी से डरते हैं कि नहीं डरते, जो आपके करीब करीब लोग जिनसे वास्ता पड़ता है, थाने में अपने ही मजलूमियत की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाना आसान काम है कि बंदे ढूंढते फिरते यार मेरे नाल चली ज़रा, किससे नहीं डरते? जो एक अल्लाह से डरता है वो दूसरों से डरता है? तो फिर क्या मामला निकला? तौहीद खालिस अंदर मौजूद नहीं है। और तौहीद ना हो
तो प्रैक्टिस बेशक सारी हो, अल्लाह उसे तस्लीम कर लेगा। हर रात को नवाफल पढ़ते हो लेकिन अल्लाह की तौहीद में रखना हो, सब माफ हो जाएंगे, मुशरिक माफ नहीं होता। वो मजाक उड़ाते और कहते कि देखो मोहम्मद कैसी बात करता है, दरख्त है, कहते उसकी जड़ें जो हैं और वो पूरा दरख्त आग के अंदर खड़ा है, आग तो उसको जला देगी, वहां पर रहेगा नहीं, तो हमारे हमें किस चीज से डर है, वो तो हो ही नहीं सकता उसके अंदर। वो अल्लाह की कुदरतों को भी चैलेंज करते जा रहे। आपसे भी अगर कहा जाए कि आओ हम सच्चों का साथ दें, तो आप कहते हैं कि जी मुल्क तरक्की कैसे करेगा, यही है जी। अगर सच्चों का साथ दोगे किसका कहना मानना है, अल्लाह का कहना मानना है। अल्लाह का कहना मानोगे तो तुम्हारी खुशहाली का वो जामन है या नहीं। बस्ती के लोग अगर तकवे की रवश को अपनाएंगे तो ज़मीन और आसमान अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, आसमान उन पर हुन बरसाएगा और ज़मीन उनके लिए सोना उगलेगी। वरना बलूचिस्तान का सोना निकाल सके हो, पता तो है ना, उसका प्लैटिनम निकाल सके हो, पता तो है ना। बेहतरीन दिमाग हमारे दुनिया में जहां जाके काम करते हैं अपना लोहा मनवाते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्यों जीरो हो जाते हैं। कि रब की कोई आप मुखालफत तसलसल से कर रहे, वक्त के हुसैनों को कत्ल कर रहे हैं, वक्त के यजीदों को आप बढ़ावा दे रहे, अपने रवैयों को ठीक कीजिए। नमाजें आप पढ़ते हैं, रोज़े आप रख लेते हैं, अभी बड़ी बड़ी कुर्बानी भी कर लेंगे, ना कुर्बानी के फ़लसफे का पता, ना नमाज के फ़लसफे का पता, ना रोज़े के फ़लसफे का पता, कि ये सारे काम हमने करने क्यों, किसको राज़ी करना है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी हमारे रवैये सारे बदल जाएंगे और रब कायनात का भी असलूब हमारे लिए फिर बदल जाएगा। उसने तो कुन कहना है, ये जिसने दरवाजे बंद किए हैं वही दरवाजे खोल सकता है ना, तो वो दरवाजे खोल देगा, खुशहाली आ जाएगी। और जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है, यानी ये जन्नत दोज़ख फरिश्ते ये सारी मुलाकातें ये राज़ो नियाज ये जो कुछ हुआ है उसको और उस दरख्त को, यानी ये मौज़ा और ये मौज़ा कि अल्लाह चाहे तो आग के अंदर ही वो दरिया वो दरख्त खड़ा कर दे, कभी इसको तो जल जाना चाहिए था, जितनी शिद्दत बताई गई है कि आग की इतनी शिद्दत होगी दरख्त तो वहाँ रह ही नहीं सकता, तो मजाक उड़ाते। कहा कि हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बनाकर रख दिया है, इसको यानी ये जो मौजा है इसको और इसको जिस पर उस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बनाकर रख दिया है और हम उन्हें तंबी पर तंबी कर रहे हैं, बार बार समझाते चले जा रहे हैं, नुखविफ हम तो डराते हैं उन्हें लेकिन वो डरते ही नहीं। लेकिन उनके हर तंबी के बाद हत्ता के अजाब का कोड़ा बरसता है तो उससे वो डरने की बजाय और तुगयानी में बढ़ जाते हैं। ये फमा यजीद हम इल्ला तुगयानन कबीरा, पहले से बड़ी वो तुगयानी करते। दूसरे मुल्कों की तो सूरत हाल ये है ना कि उनके दस्तूर में हाकमियत आला अल्लाह की नहीं है, पाकिस्तान के तो दस्तूर में हाकमियत आला किसकी है, तो कानून किसका होना चाहिए है,
उनसे बढ़ गए हो कि नहीं बढ़ गए? एक तो जाहिलों से पता नहीं है, जिनको पता है उन्होंने अभी अपने दस्तूर में लिखा नहीं था, और बार बार जुमला कहते हो दस्तूर की खिलाफ वर्जी गद्दारी है। तो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कोई एक शख्स हज़रत कायदे आज़म के एक शख्स भी आया है जिसने इन कवानीन को ख़त्म करके अल्लाह के कवानीन के नफाज की कोशिश की हो? जमहूरी रहनुमाओं में से किसी एक का नाम मुझे बताइए, या अवाम ने कभी यह फैसला किया हो कि आज के बाद हम ऐसे लोगों को नहीं वोट देंगे, बैतवा नहीं करेंगे? हम तो बैतवा करेंगे जो लोग सच्चे हो। की है कसूर अवाम का है, इसलिए सजा भी अवाम को, हुकूमतों को सेकेंडरी मसला, हुकूमतों का मसला सेकेंडरी है। मैं बात फिर कहता हूँ, असल प्रॉब्लम अवाम है। जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, अगर लोग हज़रत हुसैन अली मुकाम को वोट दे देते उस दिन यजीद मरता कि हुसैन शहीद होते? आज भी सच्चों का साथ ना देने की वजह से वक्त के हुसैन शहीद हो रहे हैं और यजीद पनप रहे। आगे एक मिसाल दे के बात को समझाया जा रहा है, तो हम इस मिसाल को सबकन सबकन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कुरान हकीम में कई जगह पे ये मिसाल आई, लेकिन जहाँ पर आई है वहाँ के जो मज़मून था उसकी मुनासबत से वहाँ पर कलिमात का इख्तियार किया गया। तो उन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कुरान अपने वजाहत खुद करता है, तो हम कुरान हकीम से वजाहत पूछ कर ही इस पूरे किस्से को समझेंगे जो किस्सा है आदम हव्वा, जो इंसान और शैतान का मामला है, इसको हम इस किस्से के अंदर ही पढ़ेंगे। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا وَإِذْ قُلْنَا وَوْ اِذْ جَبْ یاد کرو جب ایسا ہوا کل نہ کل کہا نہ ہم نے یاد کرو جب ہم نے کہا تھا لِلْمَلَائِكَةِ لِلْ کے لیے दो लाम आ गए, मलाइका फरिश्तों से, फरिश्तों से हमने कहा था इसजुदू साजादा, उसने सजदा किया, यसजुदू वो सजदा करता है या करेगा, तसजुदू असजुदू उसजुद, या अलिफ के साथ आ गया अमर के लिए, आखिरी अरफ के ऊपर जज़म आ गई, लेकिन वो अलिफ आखिर पे लग गया है जमा की अलामत। तो अगर जमा की अलामत बाद में वो लगी हो तो वाव से पहले अगर जज़म हो तो क्या करते हैं उसको पेश में तब्दील कर देते हैं, इसलिए दाल के ऊपर पेश आ गई, वरना यहाँ जज़म आनी थी। उस जुदू तुम सब सजदा कर दो और याद करो उस वक्त को जब हमने कहा था कि सजदा करो ली आदमा लाम के लिए, लाम के दो मानी होते हैं ना, अगर एक आ जाए लाम तो या तो के लिए या यकीनन। तो ठीक तर्जमा करेंगे तो उर्दू अदब कबूल करेगा, वरना उर्दू अदब कबूल नहीं करेगा, इसलिए गलती का कोई अमकान नहीं। ली आदमा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दो, फा साजादू उन सब ने सजदा कर दिया, जमा का सीगा उन सब ने वाव आखिर पे आ गया है, सजदा कर दिया इल्ला इब्लीस, सॉरी इब्लीस की, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, बाकी सब ने कर दिया। इब्लीस कौन है? शैतान काना मिनल जिन, वो जिन था, और दुनिया में
दो ही खुद मुख्तार मखलूकें पैदा की गई, एक जिन और एक इंसान। जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे, उन्हें खुद मुख्तारी मिली तो उन्होंने भी बगावतें की। आपके सामने अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इसे बनाया है, अब इसको सजदा कर दो, और फिर तफव्वुक के लिए इल्म भी सारा दे दिया और उनके सामने नाम भी पूछ लिए और इनसे भी नाम पूछ लिए, अगर तुम्हें पता है तो तुम बताओ। जब वो नहीं बता सके तो कहा अब इसे सजदा कर दो, तो उन्हें सजदा करने से इनकार कर दी। किसी को सजदा गैरुल्लाह को करना जायज़ है? सोच ले, गैरुल्लाह को सजदा करना जायज़ है? तो यहाँ पे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था सजदा कर, उसने नहीं किया, इसका मतलब ठीक काम किया ना? फिर कैसे गलत है, इसको समझना। वो सजदे की हालत का नाम नहीं है, अल्लाह के हुक्म की इताअत का नाम है। उसने अल्लाह के हुक्म से निकला। ये घरों के अंदर गुस्सा आ गया है, थाड़ थप्पड़ बीवी को मारा, गुस्से से मार दिया। अल्लाह ने इजाज़त दी थी जी? नुशूज़ ना हो तो बीवी को मारने की इजाज़त ही नहीं है। नुशूज़ की आखिरी कैफियत में पहुंच जाए तो पहले मरले में बिस्तरों से अलग करना है, घरों के अंदर उसे बंद करना है, बाहर ना जाए ताकि वो फितना ना फैले जिससे तुम रोकना चाहते हो। अगर मारने की भी ज़रूरत आए तो चेहरे पे नहीं मारना और इस तरह नहीं मारना कि वो चीज़ निशान छोड़ जाए। आपे से बाहर होकर खुद खुदा बन के थप्पड़ मार दिया, कैसे मार लिया? आपे से बाहर हो गए, तुझे तलाक तलाक तलाक, घरों में होता है या नहीं होता? ना तुझे हया रही कि मैंने अल्लाह, उसके रसूल, उसके फरिश्तों और मोमिनीन को गवाह बनाकर हमेशा हमेशा के लिए इससे निकाह किया था, तूने उस मुआहदे को हवा में उड़ा दिया अपने तैश में। करते हैं या नहीं करते? रोज ही तो होता है हमारे घर, फिर आके पूछते हैं जी निकाह बच गया। अच्छा, बच्चे को अच्छी तालीम दिलानी चाहिए ना? कहाँ दाखिल कराना चाहिए? कॉन्वेंट स्कूलों में? ऐसा ही है ना, अच्छी तालीम तो है। जहाँ आपका बच्चा इस्लाम का बागी हो सकता हो वहाँ दाखिल करवाना चाहिए? आप वो फिर वहाँ पे पहले अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी करते हैं, फिर अगर शैतान दूसरा हुक्म देता है, अल्लाह को छोड़ के अब शैतान का दूसरा हुक्म मानते हैं कि बच्चे की तरबियत के लिए अच्छी जगह भेजा था तो मेरी तनख्वाह तो इतनी नहीं है कि मैं फ़ीस दे सकूँ, फिर रिश्वत का निज़ाम चलता है, फिर धोखादही का निज़ाम चलता है, और कोई लूट कर अगर कर सके तो फिर लूटता है, फितना फसाद बर्पा कर देता है अल्लाह की ज़मीन पर। कोई एक मौका, कोई एक चीज़, चलो मस्जिद के अंदर हम चले जाएं। मस्जिद के अंदर हजूर ने मना किया कि बच्चे ना आए, आप रोक देते हैं? आपके मौली साहब रोकते हैं, बाबे सारे रोकते हैं, जिनको घर में कोई नहीं सुनता वो बाहर आके लोगों को सुनाते हैं, निकाल लो बच्चों को। कोई एक जगह बता दे, जितना पढ़ा लिखा आदमी है दीन को उतना ही तौसब के जहर से भरा हुआ है और दूसरे फिरकों को काफर करार देता है। हालांकि अगर इज्तिहादी राय किसी की दूसरी हो गई है तो रसूलुल्लाह ने तो कहा कि जिसने गलत राय भी अपना ली एक गुना अजर अल्लाह उसे भी देगा। अल्लाह तो अजर देते हैं, ये कहते हैं तेरी नमाज नहीं हुई तू मुसलमान नहीं रहा, डेढ़ डेढ़ गज की जबानें हो जाती। कोई एक जगह ना मस्जिद
दफ्तर में जिसकी आपने रिस्क खाना है, जहां से आप पैसे लेते हैं जिस काम के, उतना काम करते सोचिए। बल्कि उसी काम के हम तुम्हारा बिल पास कर देंगे, इतने पैसे दो। बिल पास करने के लिए तो तुम्हें रखा हुआ है। जिस काम के तुम्हें उजरत मिलती है उससे मुनाफे भी कमाते हो। कोई जगह बताएं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कासा लैसी करते हो, अपने बॉस की जूतियां चाटते हो और अपने साथियों की जाके गिफ्तें करते हो, कोई एक जगह बता दो। आग नहीं लगी हुई। पढ़िए इसको। खौला, असल बीमारी क्या है? हम इस पर बहसें करनी शुरू कर देते हैं कि सर झुकाना किसी के सामने जायज है कि नहीं जायज। हमारी ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। और रब का हुक्म देखो, उसके हबीब का हुक्म देखो, वो क्या कहते हैं। जो वो कहते हैं वो करो। देखने वाली ये चीज होती। कौला, कहा आ अस्जुदू, आ क्या? तीन तरह के ही आता है ना, या मुतकल्लम के लिए आता है, या इस्तफाम के लिए जिस तरह यहाँ आ गया, या अमर के लिए। और उसकी निशानी है कि आखिर पे जज़्म आ जाएगी, अगर वावल हो तो वावल वाला कलमा हज़्फ़ हो जाता है। आ अस्जुदू, क्या मैं सजदा करूँ? लीमन, लाम के लिए मन, जो के लीमन, उसको खलकता, तूने तख्लीक किया, तूने पैदा किया, तीनन, तीन से। कहीं पर तुराब का कलमा भी आया है, हम उसको पढ़ेंगे सारी जगहों पे। तीन कहते हैं तुराब प्लस पानी, जब उसको इंगल मिंगल कर देते हैं वो एक लेजर जी मादा बन जाता है, जिसे लाजिब कहते हैं, उसी को तीन कहते हैं। जिसे गारा कहते हैं हम। उसने कहा क्या मैं उसको सजदा करूं? इब्लीस ने कहा क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? यानी मिट्टी और पानी मिला के जो चीज़ बनती है उस गारे से बनाया है। गोया उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे तो आग के शोले से बनाया है, इसको तो मिट्टी से बनाया है। मिट्टी की तो सृष्टि यह है कि हाथ में रखकर ऊपर उछालो तब भी नीचे आती है। शोला तो जहाँ भी जलाओ ऊपर जाता है। तो उसको अपनी बढ़ाई का और आदम की पस्ती का और छोटेपन का गुरूर और तकब्बुर हो गया, उसने हकारत कर ली, तो वो इब्लीस बन गया। अच्छा, ये अगर मैं पूछूं, हमारा एक मेहमान आए घर में, वो मेहमान हो आपका पसंदीदा, आपका बॉस आ जाए, आपका कोई बड़ा चहेता आ जाए, खाता पीता आ जाए, तो आपकी सूरत हाल क्या होती है? जब बैल हुई आप बाहर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ लाए, आइए आइए आइए, बच्चों फलां देखो तुम्हारे चचा आ गए, बुलाते हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अपना हकीकी भाई, माँ जाया। और ये भी जुमला मैं कहता जाऊँ, जो बच्चे गरीब रह जाते हैं आखिरी वक्त में माओं की सारी मोहब्बतें उनके लिए रह जाती, और वो अपने खाते पीते बच्चों को नसीहत कर रही होती हैं, बेटा इस बच्चे का ख्याल रखा जाए। करती हैं या नहीं करती? ये हर घर में होता है। वो आ जाए और आप अंदर से देख लें कि मेरा भाई आया है, बीवी को क्या कहते हैं?
बहाना पा के फिर हूँ कुछ मेरे को पैसे मंगेगा, ऐसा जलील आदमी है ना। इसको वेलकम हुआ है? नहीं हुआ। ये तो आपका अपना भाई था। किस चीज़ का गुरूर है आपको? ये जो आपके घरों में काम करती हैं ईसाई ख्वातीन, वो काम करके आपकी तरह वो भी थकती हैं। आपके घर की ख्वातीन अगर काम नहीं कर रही उनसे करवा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि वो थकावट के आलम में है, वरना वो खुद अपने घर का काम कर लेती। लेकिन आज वो काम नहीं कर रही और आपके घर में काम करते करते खाने का वक्त हो जाए, चाय का वक्त हो जाए, आपके बच्चे खा रहे हों, उसका भी मासूम बच्चा साथ आया हुआ है, उसको साथ खाना खिलाते हैं? नहीं। एक साहब की आवाज़ आई, खिलाते हैं, मैं उनकी भी बात करता हूँ। अव्वल तो नहीं खिलाते, तो जो लोग खिलाते हैं उन्होंने उनके बर्तन माशाल्लाह पहले से अलग करके रखे होते हैं, ताकि हमने तो खिलाना है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके बर्तन अलग रख लेते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है? किस चीज़ का गुरूर है? मैं मुसलमान हूँ, ये काफरा है, ये अल्लाह को नहीं मानती, ये पलीद है। और मौलवी साहब भी समझा देते हैं काफर नजस होते हैं, ऐसे ही है? आप उनको नजस कहते हैं, उनके बर्तन अलग कर देते हैं। और दीन किससे लिया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह से। तो मुशरिकीन मक्का, जिनको कुरान भी कहता है, सरकारे दो आलम उनके साथ एक बर्तन में खाते थे, मस्जिद नबी में बैठ के खाते थे, उनके नज़दीक वो पलीत थे, कैसे खाते थे फिर? किन के मानने वाले हो? घटिया समझने के लिए ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है। एक पढ़ा लिखा किसी अनपढ़ की बात सुनता है? क्यों? मैं आपको, ये जो हम डिग्रियां लेते हैं इसके अंदर इल्म नहीं होता। मैं बिल्कुल वो बात कहने लगा हूँ, मेरे सामने कुरान हकीम खुला हुआ है, मैं आपको सच कहता हूँ, जितना मैंने इल्म किताबों से और अपने असाजा से हासिल किया है उसकी कोई हैसियत नहीं जितना इल्म मैंने अपने नाना से हासिल किया है। और मेरे नाना एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे होने और अनपढ़ होने से इल्म के अंदर कमी नहीं आया करती। फहम किसी और वजह से मिलता है, वो अंदर के गुरूर और तकब्बुर को निकालने की वजह से मिलता है, वो आजिज़ी और इंसारी का समरा होता है, वो अता होती है। नबी सल्लम कितना पढ़े हुए थे? और उस वक्त 27 टोटल पढ़े लिखे लोग थे पूरे अरब के अंदर, 27 पढ़े लिखे। उनमें से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अमर बिन हशाम, उसे लोग अबल हिकम कहते थे। उससे जब किसी ने कहा कि यार ये मोहम्मद ने जो नई तहरीक चला दी है, ये जो कहता है सच कहता है या गलत कहता है, तो उस आलिम ने कहा कि बखुदा कहता तो वो सच, उसके इल्म ने कहा कहता तो वो सच, तो क्या ख्याल है फिर उसके हाथ पर बैत कर लें? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं पढ़ा लिखा और वो अनपढ़। मैं जुमला ये सुनाना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा और वो अनपढ़, तेरा दिमाग खराब है कि कभी आज तक ऐसा हुआ किसी पढ़े लिखे ने अनपढ़ के ऊपर बैत कर ली हो? मैं चचा वो भतीजा, चचा भतीजे के हाथ पर बैत करे? गुरूर देखिए,
कोई बात समझ आई जी? कोई एक जगह बता दे जिसको पता चल गया है रफाई दायन करनी है, जिसको पता चल गया है रफाई दायन नहीं करनी। 1400 साल से लड़ रहे हैं लेकिन आज तक सुलह की, मोहम्मद रसूलल्लाह की बात मानी? आमीन बिल कहने पर बिल जहर, हला आमीन तो सब ने कहना है ना, किसी ने ऊंची आवाज में कहा, किसी ने नीचे आवाज को, उसका इज्तिहाद था। तो इज्तिहाद की बुनियाद पर गलत भी फैसला कर लिया तो एक गुना अजर तो मिलना है ना, दूसरे को दो गुना मिल जाएगा। तो मस्जिदों के अंदर सर पटोल होती है, अच्छा ये जो हिंदू शूद्रों से मामला करते हैं अच्छा करते हैं ना जी, तो हमने तो शूद्रों से नीचे अपने गरीबों को रखा हुआ है, अपने से कम इल्म को शूद्र से नीचे समझते। गलत कह रहा हूँ? चले अगर रसूलुल्लाह को मान लिया है, अल्लाह को मान लिया है, तो रहम के रिश्ते, मोहब्बतों के रिश्ते, रहम से बढ़कर कोई और चीज़ करीब हो सकती है? रहम के रिश्ते रसूलुल्लाह ने कहा, ये चचा ताया मामू फूफो के बच्चे सारे रहम के रिश्ते हैं, इनसे जुड़ो जो तुमसे टूटते हैं, यानी वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे रिश्ता टूट जाना चाहिए, तुमने जुड़ना है क्योंकि तुम मेरे बंदे हो। जिसको इलाह मानना है वो माबूद है और तुम उसके बंदे हो, तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा माबूद हूं, मैं हुक्म देता हूं तुम्हें। क्या सूरत हाल है हमारी? शूद्रों से बदतर समझते हैं, जैसे हिंदू बुरे हैं हम अच्छे हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, मेरे किसी अमल से अल्लाह उसके रसूल को धतकारने का कोई सबूत ना किसी के पास जाता हो। दिलों के हाल तो रब जानता है, उसने खोल के वहाँ बता दें तेरे दिल में ये बात थी। अजर भी उस नीयत की बुनियाद पर मिलना है, सज़ा भी उस नीयत की बुनियाद पर मिलनी, वो जो भी अमल कर रहे हो। मैं ये तहज्जुद पढ़ता था, क्यों पढ़ता था ये देखा जाएगा, कहीं पर गुरूर और तकब्बर उसकी इबादत ने तो नहीं दे दिया। उसकी पहचान मैं बता देता हूँ, मोहल्ले के लोग नौजवान कहीं पर जुआ खेल रहे हों, शराब पी रहे हों, कोई ज्यादती कर रहे हों, वहाँ बैठ के जुआ की मजलस हा हू हो रही हो, तो वहाँ जाके इस नेक आदमी को जिसको ये इल्म मिल गया है कि ये गुनाह के काम कर रहे हैं, इसका समझाना उनको फ़र्ज था या नहीं? जाता है क्या गुरूर है? मैं इसके बैठक से निकला, लोग समझेंगे ये भी वैसा ही है, लोगों को लिए तुम सारा काम करते। हर नेकी किसके लिए करनी है? रब राजी हो जाए। और मैं आपको ये बात ठीक है कि अमाल तो ले जाएंगे, जुमला अगर यहीं छोड़ दूं तो अमाल ही की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन कुत्ता क्या प्यासा है, सारी उम्र चोरियां डकैतियां राजधानियां की, अमाल तो वो है ना, एक कुत्ते को पानी पिलाया है मोहम्मद रसूलल्लाह का, जन्नत में गया। उसकी नीयत देखनी है कि किस तरह उसने अपने गुरूर और तकब्बर को ज़िबा किया है और अपनी ही जूती को मुंह में रखकर पानी भर के ऊपर लाता है और लाके वो कुत्ते को पिलाता है, ये सोच कर कि गुनाह तो बड़े किए हैं लेकिन हो सकता है उसकी मखलूक को मैं पानी पिला दूं तो उस वो राज़ी हो जाए, जन्नत और इनामात उसकी रज़ा पे मिलने हैं, तुम्हारे कामों पे नहीं मिलने। जिसके बारे में कहा रसूलुल्लाह ने कि वो औरत जो जाहिदा और आबदा थी, जिसको सरकार जाहिदा और आबदा कहते हों, उसका क्या मुकाम होगा? ज़रा सोचिए, उसने एक दिन
बिल्ली को खाने से रोक दिया और रात भर बिल्ली म्यों म्यों करती रही, उसने खाने को नहीं दिया। हुजूर ने कहा कि वो जहन्नम गई। कैसे? अगर तोले जाएं तो अमाल अबादात के ज़्यादा हैं। बिल्ली को ना देने का एक अमल है, इन्होंने नहीं तोला जाना, तोला क्या जाना है। वो कितने इखलास से वो अमल किया और कितने इखलास से ये अमल किया है। अगर इसके अंदर उसका दिमाग ये आ गया कि इसके रिस्क का इंतज़ाम मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो दूँ और चाहूँ तो इसकी राजक बन बैठी, तो राजक कौन है? जो अल्लाह को भी राजक समझे और अंदर से अपने आप को भी राजक किसी का समझे। शिर्क किसको कहते हैं? सारे गुनाहगार जन्नत जा सकते हैं लेकिन मुशरिक नहीं जा सकते, मेरे हबीब ने कह दिया। तो कैसे वो चली जाती? निकी करते हुए अपने अंदर को टटोलिए बार बार, क्यों कर रहे हैं? वो कहा ना कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह पूछेंगे कि हाँ भाई दुनिया में मेरे लिए क्या करके आया है? कोई आलम दीन आएगा, कहेगा हुजूर आपने मुझे इल्म दिया, मैंने उस इल्म को लोगों के अंदर बांटा, सुबह शाम बांटा, मैं कुरान क्लासें लगाता रहा। तो अल्लाह कहेंगे तुम्हारे दिल में ये था कि लोग कहें कि बड़ा अच्छा मुकर्रर है, बहुत बड़ा आलम है। फ़कत कील, तो दुनिया में क्या दिया गया था, मेरे पास क्या लेने आए हो? इसलिए अंदर को पहले साफ कर लो, खाली अमाल नहीं देखे जाएंगे। अपने भाई को ये जो अंदर दाखिल किया भी है, किस दिल से किया है, उसको तो कह रहे हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौत पड़ गई अपने भाई को यूं कहते हुए, इसलिए कि बस गरीब है। वो तो गरीब कोई रहना चाहता, कोई एक मुझे बताए कोई चाहता है कि मैं गरीब रहूं? नहीं। कोई नहीं चाहता। ये तो रब का प्रोग्राम है कि उसने इस दुनिया का निज़ाम चलाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको प्रोफेसर बनाना है, इसको कारोबारी बनाना है, इस कारोबारी ने इस प्रोफेसर ने कोई कपड़े पहने कोई दर्जी भी बनाना है, इसने किसी मेज पर बैठ कर काम करना है, कुर्सी पर बैठ कर कोई बढ़ई भी बनाना है, इसने जूते पहनने हैं कोई मोची भी बनाना है, इसने कमरे के अंदर मेहनत करनी है तो सफाई होगी तो कोई सफाई करने वाला झाड़ू देने वाला भी बनाना है। उनको वो सलाहियतें देकर भेजता है ताकि इस दुनिया का निज़ाम चले। वो तो एक आजमाइश में है, तुम दूसरी आजमाइश में हो, वो तो कामयाब हो जाएगा, तुम नाकाम हो जाओ। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।